कहते हैं ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और खास करके जब बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ कब कौन किसका दोस्त और कब कौन किसका दुश्मन बन जाए ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है। और अब ऐसा ही कुछ मुकेश सहनी के लिए भी देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ वो एनडीए के पक्ष में है तो अब वो बीजेपी के लिए बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आजकल भाजपा पर जबरदस्त तरीके से खफा होते हुए दिख रहे हैं। ये नाराजगी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जता भी दी है। कल जो मुकेश सहनी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ इस पर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को धन्यवाद भी दे दिया है, साथ ही उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी धन्यवाद दिया है। सहनी की रणनीति पर गौर करें तो भाजपा को सबक सिखाने की तैयारी में वो जुट चुके हैं। पूरा मामला फूलन देवी की जयंती के घटनाक्रम से शुरू हुआ। सहनी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी निंदा भी की है। सहनी की पार्टी वीआईपी यूपी के लखनऊ और वाराणसी सहित तमाम बड़े शहरों में फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करना चाहती थी। इस सिलसिले में जब सहनी वाराणसी पहुंचे तो वहां उन्हें एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने दिया गया और दूसरी फ्लाइट पकड़ा कर कोलकाता भेज दिया गया। साथ ही फूलन देवी की प्रतिमा को प्रशासन ने जब्त भी कर लिया। इससे नाराज सहनी ने यूपी में भाजपा को सबक सिखाने के लिए 150 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है। अब तक जहां वो भाजपा के साथ गठबंधन में तालमेल की संभावनाओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब दूसरी तरफ मुकेश सहनी बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने फूलन देवी की एक तस्वीर को ट्विटर पर साझा किया जिसमें वो लालू यादव के साथ नजर आ रही हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने उन्हें क्रांतिकारी नायिका और नारी की अस्मिता का प्रतीक बताकर श्रद्धांजलि दिया। इस ट्वीट को साझा करते हुए मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सहनी और तेजस्वी यादव एक ही पार्टी में थे, लेकिन चुनाव के वक्त सीट बंटवारे को लेकर के इन दोनों का मन नहीं मिला और दोनों की राहें अलग हो गई। तब जाकर मुकेश सहनी ने भाजपा और एनडीए का साथ दे दिया। इसी तरह उन्होंने अखिलेश यादव की पोस्ट को शेयर करते हुए भी उनको धन्यवाद दिया है। अब लोगों का ये भी कहना है कि अब वो यूपी में भाजपा के बजाय सपा के साथ तालमेल बनाने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों को धन्यवाद किया है। लोगों का तो ये भी कहना है कि ट्विटर पर कल फूलन देवी की तस्वीर कई लोगों ने साझा की, लेकिन मुकेश सहनी ने केवल तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को ही धन्यवाद क्यों दिया है, इसके पीछे भी कोई राजनीतिक खेल नजर आ रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि मुकेश सहनी का ये गुस्सा कहाँ जाकर थमता है। क्या वो एनडीए गठबंधन से अपने आप को जुदा कर देंगे या फिर से उनकी दोस्ती तेजस्वी यादव के साथ देखने को मिल सकती है। बहरहाल, इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।